फिलहाल एक बड़ी खबर श्रीगंगानगर से सामने आ रही है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर फिलहाल आपको बता दें, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमल कुमार को ट्रैप यहां एसीबी ने किया है और सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया है। 15,000 की घूस लेते हुए एसीबी ने ट्रैप यहाँ पर सहायक अधिकारी को किया है। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर फिलहाल बता दें, एसीबी एसीपी जारी करने के एवज में जो घूस की मांग थी वो इस व्यक्ति ने की थी और श्रीगंगानगर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 15,000 की घूस के साथ में ट्रैप किया गया है यहां पर। सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमल कुमार को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। 15,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार यहाँ पर एसीबी ने उस व्यक्ति को किया है और डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। साथ ही बता दें कि एसीपी जारी करने के एवज में घूस की मांग उन्होंने की थी और घूस की मांग करने के बाद में जब शिकायत की गई, शिकायत का सत्यापन किया गया जिसके अंदर ये पूरा मामला सही पाया गया। एसीबी ने रडार पर लिया और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमल कुमार को ट्रैप किया है 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ में रंगे हाथों। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से फिलहाल। डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर कार्रवाई पूरी हुई है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमल कुमार को 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ ट्रैप किया है। एसीबी ने कार्रवाई की है और बता दें आपको कि एसीपी जारी करने के एवज में जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी है उसने रिश्वत की मांग की। सत्यापन जब परिवादी के द्वारा शिकायत जब की गई परिवादी के द्वारा तो एसीबी ने सत्यापन इस मामले का किया। सत्यापन में मामला सही पाया गया, उसके बाद में रडार पर लिया एसीबी ने और डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी को 15,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, ट्रैप किया गया। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में हमारे संवाददाता अरिहंत फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरिहंत बताएं, जिस प्रकार से श्रीगंगानगर में बड़ी कार्रवाई एसीबी ने की है और सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया गया है 15,000 के घूस के साथ, बताएं क्या पूरी अपडेट। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्रीगंगानगर के अंदर जो एसीबी है जो लगातार है अपनी कार्रवाई कर रही है, इससे पूर्व भी कार्रवाई हो चुकी है। वहीं आज श्रीगंगानगर की एसीबी टीम के द्वारा आयुर्वेदिक विभाग के असिस्टेंट ऑफिसर जो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि एसीबी दस्तावेजों की पूर्ति करने की एवज में इनसे 15,000 रुपए रिश्वत ले रहे थे, जिस टाइम इस पर एसीबी कार्रवाई ने कार्रवाई की है। श्रीगंगानगर के एसीबी के श्रीगंगानगर के सीआई जो विजेंद्र शिला जी है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि इस खबर इस मामले को लेकर दो दिन से लगातार है जो दस्तावेज खंगाले जा रहे थे और सत्यापन किया जा रहा था। सत्यापन होने के बाद आज जैसे ही आयुर्वेदिक विभाग के असिस्टेंट ऑफिसर जो रिश्वत ले रहे थे उस टाइम एसीबी के द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई और 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। जी जी जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।